मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी कान्हा स्टेडियम के निकट सीजीसीटी में 23 करोड़ की लागत से बनने वाले नौसेना शौर्य संग्रहालय निर्माण कार्य परियोजना का भूमि पूजन व बटन दबाकर शिलान्यास किया। सीएम योगी ने यहां पौधारोपण भी किया। भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय के बच्चों ने राष्ट्रगीत व भारतीय नौसेना के बैंड ने अपनी प्रस्तुति दी। सीएम ने विश्वास जताया कि ये यूपी के वाटरवे व युवाओं के रोजगार की दृष्टि से मील का पत्थर साबित होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज लखनऊ व प्रदेश के लिए ऐतिहासिक क्षण है, जब नौसेना शौर्य संग्रहालय की स्थापना की नींव इस नए उभरते क्षेत्र में विकास की नई आभा को संजोए हुए सीजीसीटी में आदि गंगा के रूप में विख्यात गोमती नदी के तट पर बन रही है। ये संग्रहालय भारतीय नौसेना की बढ़ती ताकत का नया माध्यम बनेगा। साधन उत्तर प्रदेश के पास मौजूद है। इन नदियों के माध्यम से और इनमें पोटेंशियल को देखते हुए उत्तर प्रदेश आज अपने यहां वाटरवे अथॉरिटी का गठन कर रहा है। स्टेट वाटरवे अथॉरिटी के गठन की कार्रवाई को आगे बढ़ा रहा है, जिससे हम इसके बेहतर उपयोग के माध्यम से प्रदेश के अंदर जल परिवहन के इस पोटेंशियल का उपयोग करते हुए प्रदेश में किसी भी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर सके। और हम सब आभारी हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश का पहला इनलैंड वाटरवे वाराणसी से हल्दिया के बीच में जोड़ दिया है, जो वर्तमान में पूरी तरह क्रियाशील है, कार्य कर रहा है। तो हम उत्तर प्रदेश के इस पोटेंशियल को भी आगे बढ़ाने में हमें मदद मिलेगी।